हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो जोर हो? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त करके ऐसे होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, आज रिसीवर के बारे में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, रिसीवर कौन सा लेना चाहिए और रिसीवर अगर डिश लगाना है बेस्ट रिसीवर कौन सा होगा जो बार बार ख़राबी ना हो उसमें, फॉल्ट भी ना हो। जैसे अमूमन जो आजकल 6605 वाले जो रिसीवर चल रहे हैं उसमें सिग्नल का फॉल्ट इशू आ जाता है, और ये 3510C वाला और 6605 इसमें फ़र्क क्या है आज सारे भाइयों को दिखाता हूँ। रिसीवर ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें बोर्ड में क्या फ़र्क है भी सही ना भी सही, तो दोनों का ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ दोनों को। और दो रिसीवर मैं उठा रहा हूँ आज। ठीक है, एक मैंने ये न्यू सेट उठाया। ठीक है, उसके बाद ये लोअरी में भी न्यू सेट उठा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे भाई कंपनी एक ही जैसी एक नाम, तो इसमें फ़र्क क्या होता है। ये दोनों रिसीवर मैं लेके आया हूँ, तो अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अमूमन देखो रिसीवर जो 7005 है, तो एक तो अभी जो बोर्ड आ रहा है उसमें ऐसे NLB की तारे की पिन लगी होती है। ठीक है, इसमें लोअरी बोर्ड लगा हुआ है, ये छोटी है 7005 वाला। ठीक है, इसमें अक्सर फॉल्ट आ जाते हैं। और इसके बाद ये पड़ा हुआ है, इसमें अक्सर भी बोर्ड पे डब्बे पे भी लिखा होता है 3510C बिग बोर्ड, तो उसमें बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो इसकी देखो पिने NLB की पिने ऐसे लेटी हुई लगी हुई है, उसमें खड़ी हुई लगी है। तो अभी दोनों को मैं आप दोस्तों को ओपन करके चेक कराता हूँ, एक जैसा है। ठीक है दोस्तों, ये भी न्यू सेट है और ये भी न्यू सेट है, तो आप दोस्तों को दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है ओपन करके। ये तो दोस्तों, ये न्यू सेट का मैंने रिसीवर खोला है 3510 बिग बोर्ड में। ठीक है, इसमें बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इसमें अमूमन ना सिग्नल का फॉल्ट आता है, कभी कभार कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट भी आ जाता है नमी की वजह से, बाकी इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है जैसे जो लोअरी बोर्ड में आ रहे हैं छोटे बोर्ड में, वो अक्सर सिग्नल का फॉल्ट आ जाता है इसमें। तो ये छोटा बोर्ड है, ठीक है, इसमें अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है। देखो इसकी NLB की पिने खड़ी हुई है और इसमें अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है, कभी इसके सिग्नल गायब हैं, कभी ये रेड लाइट पे, कभी सॉफ्टर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 फॉल्ट इसमें आते रहते हैं, और ये रिसीवर लेके तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन बनवाना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद जो ये रिसीवर है 3510C वाला, इसमें अमूमन फॉल्ट नहीं आते हैं, काफ़ी दिनों के बाद और नमी वगैरह मिट्टी वगैरह पड़ने के बाद या प्रॉपर इसको वाश करके रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे, तो इंशाल्लाह इसमें फॉल्ट नहीं आएंगे। तो उसमें जो बोर्ड का डिफरेंस था वो मैंने भाइयों को बता दिया, इसमें छोटा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है 3510C में। ठीक है, इसमें बिग बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखा भी देता हूँ, ये बिग बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इस पर लिखा भी हुआ है बोर्ड, और इसमें आप अगर कहीं किसी दुकान से परचेस करते हो तो नीचे से भी आराम से दिखने में आएगा ये पूरा बोर्ड लगा हुआ इधर से इधर तक। ठीक है, और इसमें बिल्कुल छोटा बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ दिखने में आ जाता है भाई, यहाँ से कट बिल्कुल दिखने में आता है बिल्कुल भाई, ये छोटा बोर्ड है, हमें छोटा बोर्ड नहीं चाहिए, हमें बिग बोर्ड में चाहिए। ये देखो बिल्कुल छोटा बोर्ड है, इसमें अक्सर सिग्नल फॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप दोस्तों को ओपन करके चेक करा दिया, तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।